एक आदर्श सिंह जी हैं, मेरठ से हैं, इनका प्रश्न है कि चोटी रखने के क्या फायदे हैं और किस स्थान पर चोटी रखनी चाहिए, ये इनका प्रश्न है। देखिए अब फायदा पहले देखते हैं आजकल लोग कि भाई इससे क्या फायदा होगा, किसी आचार्य को किसी महापुरुष को यदि कुछ पूछें या वे खुद बताएं कि ऐसा करिएगा, अरे महाराज इससे क्या फायदा होगा, फायदे पहले चाहिए। यद्यपि हमारे यहाँ शास्त्रों में जो भी निर्देश किए गए हैं उनके पारलौकिक फल तो हैं ही, लौकिक फल भी विद्वानों ने बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो वेद हैं, वेदों में जो वर्णन है वो धर्म और ब्रह्म के विषय में ही वर्णन है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज कहते हैं कि वेद केवल धर्म और ब्रह्म के बारे में बताते हैं, क्योंकि धर्म और ब्रह्म यानी धर्म केवल वेदैक समधिगम्य है, वेदों के अलावा और कोई नहीं कह सकता, कोई कैसे निर्णय कर सकता है कि ये जो है धर्म है ये अधर्म है, ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, इसमें केवल वेद ही प्रमाण है। जैसे हमारे यहां पवित्र और अपवित्रता की बहुत चर्चा है, हड्डी को अपवित्र मानते हैं, चर्म को अपवित्र मानते हैं, लेकिन हड्डी अपवित्र है परंतु शंख की हड्डी पवित्र है, शंख भी अस्थि है लेकिन उसको पूजा में रखा जाता है, चर्म जो है चमड़ा का स्पर्श करने पर शुद्धि का विधान है लेकिन मृग चर्म व्याघ्र चर्म पवित्र है। तो कौन वस्तु पवित्र है कौन अपवित्र है ये किसी भी अन्य उपाय से ये सिद्ध नहीं हो सकता, इसमें केवल वेदों की ही प्रमाणता है, वेद ही इसको बताते हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्ष और अनुमान आज से सिद्ध नहीं है उसको जो बताए यही तो वेदों की वेदता है। प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, जो प्रत्यक्ष और अनुमान आज से सिद्ध न हो सके और वेद जिसको बतलावे, वेद जिसको कहे वही तो वेदों की वेदता है। तो हमारे शिखा रखने के शिखा के या अन्य संस्कारों के क्या फायदे हैं ये मुख्य रूप से वेद ही बतलाते हैं, और वेदों के ये जो फल लिखे हुए हैं ये आध्यात्मिक ही हैं, और मुख्य रूप से विद्वानों ने ये भी जोड़ा हुआ है कि भाई ये जो मर्म स्थल है इस मर्म स्थल पर ये शिखा रखते हैं तो इसको बांधने से वो मर्म स्थल पुष्ट रहता है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई आघात हो तो सहज रूप से उस पर चोट नहीं लगती है, वो पुष्ट रहता है तो जीवन की शक्ति बढ़ती है इत्यादि। मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो 11, 13, 16, 24, 48 आदि संस्कारों का जो विवरण शास्त्रों में है, सामान्य रूप से व्यास जी ने जो 16 संस्कार बताए हैं सब लोग जानते हैं 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों के अंतर्गत ही 14 संस्कार है जिसमें शिखा रखी जाती है, जिसको लोग सामान्य रूप से मुंडन संस्कार कह देते हैं, यद्यपि वो मुंडन नहीं है चूड़ाकरण है अथवा उसका नाम चौल संस्कार है। तो समस्त संस्कारों के 3 लक्ष्य हैं जो शास्त्रों में बतलाए गए हैं। हमारे भाष्यकारों ने इन संस्कारों को माना है। नंबर 1 मलापनयन, नंबर 2 हीनांग पूर्ति,
और नंबर तीन अतिशयाधान, ये संस्कारों के फायदे हैं। हीनांग नंबर एक मलापनयन, ये जो वैजिक और गार्भिक जो भी कोई अशुद्धि हो, यानी कि माता के उदर में और पिता के बीज में जो कुछ भी अशुद्धता हो, कुछ त्रुटि रह गई हो, वंश के अनुरूप कुछ जो वंश में कमी हो, वो संस्कारों से पूर्ण हो जाती है, इसको कहते हीनांग पूर्ति। और मलापनयन यानी कोई भी दोष हो वो दोष समाप्त हो जाए, वंशगत दोष, वैजिक दोष, गार्भिक दोष, वो गर्भगत शिशु में आगे पुत्र में न जाए, उसका दोष का अपनोदन हो जाए, ये मलापनयन। क्योंकि गर्भ में व्यक्ति गर्भाम्बु पान कर लेता है, गर्भ के जो अशुद्ध जो जल होता है वो जल क्या होता है, गर्भोदक जिसको कहते हैं, वो गर्भोदक मुख्य रूप से उस शिशु का मूत्र ही होता है और मलमूत्र में ही वो पलता बढ़ता है। तो वो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि उसके किसी किसी के बालक के मुंह में चला जाता है, तो उससे फिर वो अशुद्ध हो जाता है। तो गर्भाम्बु पान जनित दोष परिहारार्थ इत्यादि कई दोष हैं, तो वो समस्त मल मलों का अपनयन करके और वो शुद्ध हो जाए, इसलिए वो मलापनयन होता है। यहां तक अब कहें आप कि ये जो है मल कहां से आ गया, पुरुष और स्त्री शास्त्रों में बताया गया है, यदि कोई पुरुष पर स्त्री को देख करके मन में गलत भावना कर लेता है, केवल गलत भावना करने मात्र से उसका बीज अशुद्ध हो जाता है, और कोई भी स्त्री यदि पर पुरुष को देख करके मन में गलत भावना कर लेती है, यद्यपि वो उसमें जो प्रयुक्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसका गर्भ अशुद्ध हो गया, असमय में किया गया मैथुन आदि बहुत विवरण है इसके ऊपर, कभी फिर बताएंगे, तो इससे वो जो मल आ जाता है, तो मलापनयन इन संस्कारों से मलापनयन होता है। और अतिशयाधान तीसरा गर्भ का ये समस्त गार्भिक शैशव और भी आगे सभी संस्कारों के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं अतिशयाधान। यदि कोई चाहता है कि हमारा बालक विद्वान बलवान गुणवान धनवान आयुष्मान हो, तो उसके लिए तत्त्व शास्त्रों में बताए गए प्रयोगों के द्वारा वो संस्कार किए जाते हैं, तो उनसे वो सब उसकी सिद्धि होती है। तो ये समस्त संस्कारों के उद्देश्य हैं, फल हैं, तो ये चौल का भी मुंडन चोटी रखने का भी यही सिद्धांत है। और मुख्य बात हमारे यहां शास्त्रों की आज्ञा है, और उस शास्त्रों की आज्ञा को भगवत आज्ञा मान करके, क्योंकि वो शास्त्रों की ऋषियों की जो उक्ति है वो भगवान की ही आज्ञा है, और वो कहते भी हैं कि श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णवः। श्रुति स्मृतियों में जो भी आज्ञा कही गई है वे भगवान कहते हैं मेरी ही आज्ञा है, जो इनको छोड़ करके मनमाना आचरण करता है वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, वो तो भगवान की आज्ञा न मानने से भगवान का दुश्मन है, भगवान कहते हैं आज्ञोच्छेदी मम द्वेष, मेरी आज्ञा का उच्छेदन करने वाला है, न मानने वाला है, इसलिए मम द्वेषी मेरा वैरी है, वो ऐसा व्यक्ति कभी भी मेरा भक्त वैष्णव नहीं हो सकता, मद भक्तों पे न वैष्णव। इसलिए भगवान की जो आज्ञा है, जो श्रुति स्मृतियों में हम समस्त चारों वर्णों के लिए जो जो आज्ञाएं दी गई हैं उसका पालन करना हमारा परम कर्तव्य है, उसमें हमें फायदा हो न हो, फायदा तो होगा, हमारी बुद्धि से भले समझ में ना आए कि फायदा है या नहीं है, वो है, उसको विधिवत पालन करना है,
तो चोटी रखने का शास्त्रों ने आदेश किया हुआ है कि सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च, सदोपवीतिना भाव्यम सदा, सदा उपवीतिना भाव्यम, सदा उपवीति अवस्था में रहें। जब शास्त्रों ने निर्देश किया है कि प्राचीनावीति हो सकते हैं तब प्राचीनावीति हो जाए, अगर प्राचीनावीति के लिए नहीं कहा है तो अपसभ्य न हो, प्राचीनावीति न हो, तब तो सदा उपवीति ही बन करके रहे। उपवीति का मतलब है बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहे और दाएं कंधे के नीचे, दाएं हाथ के नीचे रहे, इस प्रकार यज्ञोपवीत धारण करके व्यक्ति रहे सदा। यज्ञोपवीत की आज्ञा भी है, यज्ञोपवीत धारण करिए और इस तरीके से धारण करिए। इसी प्रकार सदा बद्ध शिखेन च, सदा शिखा को बांध करके रखिए, ये स्मृतियों की आज्ञा है, भगवद आज्ञा है, इसका मैं पालन करना। तो सदा शिखा को बांध करके तब रखेगा ना जब शिखा रखेगा, अब शिखा ही नहीं है तो बांधेगा क्या। तो शिखा रखना समस्त कर्मों का, शिखा जो है शिखा रख करके बद्ध करना, ये समस्त कर्मों का अधिकारिता वच्छेदक है, अर्थात आपको उस कर्म का तभी अधिकार है जब आप शिखा रखते हैं और बांधते हैं, अन्यथा आपको किसी भी वैदिक कर्म करने का, स्मार्त कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए चौल संस्कार को बड़ा मुख्य संस्कार माना है, क्योंकि वो शिखा रखेगा, हर कर्म में शिखा चाहिए और बधी हुई चाहिए। और शिखा किधर बांधनी है, कहाँ रखनी है, ये प्रश्न है। तो हमारे अंतर्गत जैसे हम जो है अपने मुंह को खोल करके देखेंगे तो एक वहां स्तनवत लटकता हुआ एक चिन्ह रहता है अंदर गले में, सबके रहता है वो तालु अंदर मूर्धा के पास में, तो उसके ऊपर यहाँ शिखा रखनी चाहिए मध्य में, और खूब सुंदर बड़ी बताया गया है कि जो है गाय के खुर के समान चौड़ी शिखा को वर्तुलाकार गोलाकार रखे एकदम मध्य में, और उसको बांधने के अलग अलग वेद की शाखा के अनुसार है, किसी की दक्षिणावर्त शाखा है, दक्षिणावर्त शिखा है, किसी की वामावर्त शिखा है, तो अपनी शाखा अनुसार उसको उधर की तरफ ले जा करके और वैसे अंटे लगा करके बांधने का अपना अपना अलग है। जैसे हम यजुर्वेदियों की जो है कातियों की दक्षिणावर्त शिखा है दाईं तरफ रखते हैं, हर वेद की अपनी अलग अलग शिखा होती है, जिस तरीके से गोत्र है, प्रवर है, वेद है, शाखा है, गृह सूत्र है, इसी प्रकार से ये शिखा है कि आपकी दक्षिणावर्त है कि वामावर्त है, वाम शिखा है या दक्षिण शिखा है। अलग अलग वेद की शाखाओं के लिए पहले पंच शिखा, किसी किसी के लिए पहले खलवाट करके फिर जो है शिखा रखते हैं, जैसे कि कोई बालक है तो बालक का मुंडन यानी चौल संस्कार पहले होना है तो चौल में पहले पांच शिखा रख देते हैं, एक शाखा है सामवेद की शाखा है, तो उसके बाद फिर उन चार शिखाओं का मुंडन हो जाता है, एक शिखा मध्य की रह जाती है, रहती मुख्य रूप से वही है लेकिन उनको पंच शिख कहा जाता है। इसी प्रकार किसी शाखा में पूरा मुंडन कराने के बाद और फिर वो शिखा रखते हैं दूसरी बार में, लेकिन हमारे यहाँ मुख्य रूप से पार्षकर गृह सूत्र के अनुसार वो गार्भिक जो केश हैं उन्हीं का जो है शिखा रखी जाती है, उनको ही काट करके बीच में वर्तुलाकार उसको, यानी कि जो शिखा है, शिखा के जो केश हैं वो माता के उदर से आए हुए वे ही केश रहते हैं और वे ही बढ़ते रहते हैं, उनको जो है काटा नहीं जाता है, बनाया नहीं जाता है। तो ये है शिखा का मुख्य रूप से, इसलिए हम सभी को शिखा रखनी है और शिखा बांध करके रखनी है, और इसके फायदे आपको बताई दिए गए हैं, मुख्य रूप से ये सब आध्यात्मिक फायदे हैं और वैज्ञानिक भी और लौकिक भी इनका फल मिलता है। हमारे यहाँ कोई भी जो है धार्मिक कार्य है वो सब ऐहिक और आमुष्मिक दोनों ही है,
एक माने यहाँ भी फलीभूत होते हैं, यहाँ भी सुख संपत्ति और मनोरथ को पूर्ण करते हैं, और प्रैत्य माने मरने के बाद भी, प्रैत्य मरने के बाद भी वे हमें सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं, आत्म कल्याण करते हैं। हर हर महादेव।